दिल्ली में क्या सुरक्षित बचा है आज? भाजपा चाहती है कि अपराध बढ़े। एक युवा, उसकी कल शाम को यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर साउथ कैंपस में हत्या कर दी गई। सिर्फ निखिल को नहीं मारा गया, उसके पूरे परिवार को मारा गया है। बार बार दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है? आज दिल्ली फिर से एक बहुत ही दुखद वीडियो पे उठी। आप सबने देखा होगा कि कैसे निखिल चौहान, एक युवा, उसकी कल शाम को यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर साउथ कैंपस में हत्या कर दी गई। हम सबने उसके रोते बिलखते पिता का वीडियो देखा आज। सिर्फ निखिल को नहीं मारा गया, उसके पूरे परिवार को मारा गया है। उसके परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। पर ये बार बार दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है कि कहीं टायर के नीचे, कार के टायर के नीचे एक युवती को घसीटा जाता है 12 किलोमीटर तक, कि कहीं कल कॉलेज के अंदर घुसकर चाकू मारे गए, कि परसों घर के अंदर घुसकर दो युवतियों को गोली मार दी गई। क्या सुरक्षित है आज दिल्ली में? क्या सुरक्षित बचा है आज इस एलजी के लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व के अंदर? ना स्कूल सुरक्षित रहा, ना यूनिवर्सिटी सुरक्षित रही, ना हॉस्पिटल सुरक्षित रहा, ना कोर्ट सुरक्षित है। तो क्या सुरक्षित रहा? और ऐसा क्यों हो रहा है साथियों? बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि केंद्र में एक ऐसी सरकार है, क्योंकि कानून व्यवस्था दिल्ली के अंतर एक ऐसी सरकार के अंतर्गत आता है जो लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ाती है। अगर आपको आप कोई बड़ा अपराध करते हो तो वो, अगर पुलिस उसको एब्सकॉन्डर भी घोषित कर दे, वो कुछ महीनों बाद भाजपा के मंच पर पाया जाता है। यही कारण है कि आज अपराधी निडर हो गए हैं और उनको कानून का कोई खौफ नहीं है। यही कारण है कि एलजी लगातार प्रश्न पूछने के बाद बार बार भी कोई जवाब नहीं देते कि दिल्ली में कितनी पीसीआर वैन बढ़ाई, कि कितने थानों में उन्होंने विजिट किया, कि कितनी बार कमिश्नर को समन करके बुलाया, उनसे जवाबदेही हुई। कुछ नहीं पता कि पुलिस की कोई अकाउंटेबिलिटी होती है, कहां पीसीआर लगी। तो अब हम देख रहे हैं कि ये भाजपा, आपको ध्यान होगा कि दिल्ली में सीसीटीवी तक लगाने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा था। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को धरने पर बैठना पड़ा था एलजी हाउस में, तब कहीं जाकर दिल्ली में सीसीटीवी लगे। अब ये आपराधिक प्रवृत्ति वाली भाजपा, अब इनको प्रॉब्लम होने लग गई है पैनिक बटन से। पैनिक बटन का रोल क्या है कि आप दबाएंगे अगर पैनिक बटन तो आपको तुरंत सहायता मिलेगी, पर भाजपा को इसी से प्रॉब्लम है। भाजपा चाहती है कि अपराध बढ़े। भाजपा चाहती है कि अगर कोई उनका व्यक्ति अपराध में शामिल हो तो उसके खिलाफ एविडेंस ना मिले कि उसको बचाया जा सके। तो अब ये भाजपा पैनिक बटन के पीछे पड़ गई है। मेरा आप लोगों से आज फिर अनुरोध है कि जाकर दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना से पूछें कि उन्होंने कानून व्यवस्था को बेहतर करने में क्या कदम उठाए और पिछले एक साल में कानून व्यवस्था दिल्ली की बद से बदतर क्यों होती जा रही है, इसका जवाब पूछें। दिल्ली आज बिल्कुल सुरक्षित नहीं रही है। दिल्ली में क्राइम बढ़ते जा रहा है, उसकी वजह जानना जरूरी है। मेरा आपसे फिर अनुरोध है, प्लीज एलजी से पूछिए कि जवाब दे। जय हिंद।